मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज रामनवमी है, आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। पिछले कल कांग्रेस पार्टी की एक पत्रकार वार्ता जहाँ शिमला में आयोजित हुई, और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी के त्रिदेव पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुने। और मैं इस बात को देख रहा था कि उस पत्रकार वार्ता में तीनों की जो परिस्थिति है सारी बातों को लेकर के एक तरह की जो तो पिछले कुछ अरसे में घटनाएं घटित हुई है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसके कारण सबके सब विचलित दिखे। बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश हो रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई। बार बार इस बात का जिक्र करने की बात हो रही थी कि हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। ये सब बातें कहने की आवश्यकता अगर उनको पड़ी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा उनके मन में एक डर का भाव है, और वो जो डर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले दिनों घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात को अनुभव किया है कि कोई और उसके लिए दोषी नहीं है जो केंद्रीय इनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदा जिक्र किया इस बात का, और शायद व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये नेतृत्व की असफलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है वो बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी सभी नेताओं का विश्वास जीतने में, सभी नेताओं को साथ चलाने में नाकामयाब रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने। मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेकिन त्याग पत्र नहीं दिया गया, और मैं इस बात को भी बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुतायत जिनका नंबर काफी बड़ा एक साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह लगा कि ये हालात वर्तमान की और पिछले कल आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जो एबीपी का सी बोट सर्वेक्षण जो आया है, सर्वे आया है, उसकी रिपोर्ट आई है, गारंटी के रूप में उसको पूरा कर चुके हैं। अरे गए थे, 15 महीने बीत गए, और अब फिर से फॉर्म भर करके लोकसभा के चुनाव में फिर भी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को फिर से उनको ठगने की, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से इस बात का आरोप हमारे सिर पर लगाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए, के चुनाव में हम कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, इस बात को,
इस बात का डर मन में था, इस कारण से उन्होंने तय किया कि ये करना पड़ेगा। दबाव आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करके धन्यवाद। इनका उत्तर है आपके पास। ये बार बार जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हमारी माताओं बहनों को जलील करने के एक तरह के मैं कह सकता हूं ये प्रयास है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सफलता नहीं होगी, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और इसलिए मुख्यमंत्री कितने विचलित हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और इस वक्त हमको कोई घोषणा नहीं करनी है। और इसको भी हम निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में क्या पार्टी का मत बनता है आगे इस बात को लेकर के बताएंगे। और दूसरी बात, हमारे उप मुख्यमंत्री के सिलसिले में भी यही कहा जा रहा था कैसे होगा, जो हो गया आपके सामने है। कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से विवश होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मन के साथ बड़ा कदम उठाया हमने उसमें, उस दिशा में बात तो की, लेकिन उसके बावजूद वक्त बहुत ज्यादा लग गया ओपीएस लागू करने की दिशा में। उसका हमने न तब विरोध किया न आज विरोध कर रहे हैं। अब दहशत पैदा करने की, डर पैदा करने की कोशिश, और खासतौर से बार बार कहते रहे कांग्रेस के वो नेता कि जयराम ठाकुर को लोकप्रिय सरकार जो चुनी गई है उसको अस्थिर करने के लिए माफी मांगनी चाहिए से आए हुए, लेकिन कैबिनेट दर्जे के साथ सरकार चला रहे हैं। और इस बात को लेकर के उन मित्रों ने इस प्रकार का कदम उठाया है। और इसमें किसी व्यक्ति का और खासतौर से हमारे ऊपर बार बार ये जो बात कही जा रही कि जयराम ठाकुर ने किया, बहुत याद कर रहे हैं आजकल, बहुत प्यार आया आजकल, मैं उनका आभारी भी हूं उस बात के लिए। तीनों नेता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे थे, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और हिमाचल प्रदेश, मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि सरकार के दबाव में विधानसभा के अध्यक्ष इस कदर हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सौंपे हुए जो उनके पास त्याग पत्र अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं, जबकि रूल्स में जो प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बड़ी क्लियर है, कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देते हैं तो उसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तत्काल स्वीकार किए जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उस बारे में भी कोई निर्णय होगा। पार्टी ने चारों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आने तक जो है वो घोषित कर देंगे बाकी उम्मीदवार जो बचे हैं। बहुत जटिल प्रक्रिया, सघन प्रक्रिया का दौर में से गुजर रहे हैं जो चुनाव के उनके कैंडिडेट की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। अब हमारे कुछ एक मित्रों का मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं, वो घर बैठे कभी सोशल मीडिया में कभी मीडिया में अपनी बात कहते हैं। हमने तो इतनी ही बात कही कि मंडी में लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी के अध्यक्ष जो सांसद है वर्तमान में, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, उन्होंने कहा कि हालात नहीं है। और कहने लगे कि जयराम अपने घर को देखे, हमारे घर में किया उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मदद नहीं की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। मैं उनके सारी चीजों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। 4,500 रुपये पैसा दिया गया
और उसमें स्टेट शेयर कितना है। जो भी पैकेज के अंतर्गत जो है इन्होंने जो पैसे बांटने के लिए जो फोटो लेकर के सबको जो प्रभावित परिवार है उनमें से कुछ लोगों को बुला करके वहां पर राशि दी है, वो राशि है जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए जो है हिमाचल की मदद के लिए दिए उस बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए। और मैं यहां जिम्मेवारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं, अभी भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां अभी घर टूटने के बावजूद, घर नहीं रहने के लायक रहा उसके बावजूद बगीचा बह करके चला गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, अभी तक पटवारी तक नहीं, बावजूद भी उनको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। अगर जिन लोगों को पैसा दिया गया हिमाचल प्रदेश में वो पैसा है जो केंद्र सरकार ने, और इसके अतिरिक्त बहुत बातों का जिक्र हुआ है, नेता प्रतिपक्ष दिन में सपने देख रहे हैं ऐसा उनकी भाषा का मैं देख रहा था, मैं उसमें ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं, सपने में आज तक नहीं देखे, हमने नींद में भी नहीं देखे, दिन में तो बात छोड़ी है। और मुझे मालूम, इसलिए खासतौर से जो जिस प्रकार से वो ये बातें कह रहे हैं ये बहुत बड़ी एक कि लोगों के बीच में जाकर के अगर पूछें तो एक भी योजना का जिक्र नहीं कर सकते। और उल्टे हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर का इलाज करके उनको स्वस्थ जीवन देने में सफल हुए हैं, उनकी जिंदगी को संकट में डाल, उनके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार, जो गरीब लोग अपना इलाज करने में असमर्थ हैं। इतना भी दया का भाव कांग्रेस की सरकार को है नहीं।